हाय एवरीवन, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जिसमें हम बात करने वाले हैं क्यूनेट के रिफंड प्रोसेस पे। बहुत लोगों का रिफंड फंसा हुआ है, बहुत सारी कॉल्स, बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास में आ रहे हैं कि हमें एक साल से रिफंड नहीं मिल रहा है या फिर हमें अप्लायंस ने दिक्कत कर रखी है, बहुत सारे इश्यूज। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ये बताया हुआ है कि आपको किस तरीके से इस रिफंड का रेजोल्यूशन मिलने वाला है। ये जो रिफंड नहीं आ रहे हैं इंडियन पोर्टल में, उनका रीजन ये है, ईडी ने जनवरी में रेड करी थी क्यूनेट के ऑफिस में और उन्होंने बहुत सारे अकाउंट्स को फ्रीज किया था। तो उसके बाद से इंडियन पोर्टल में जितने भी रिफंड हैं वो नहीं आ रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे रिप्लाई आ रहे हैं, फाइनेंस टीम को गया है, हम गेट बैक यू सून, ऐसा करके बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। कंपनी ने एक तरीका निकाला है, इसको कह सकते हैं बायस्ड तरीका, उन्होंने भी साइन अप किया, जो कंज्यूमर है कंपनी के या जो भी कस्टमर है कंपनी के, जब आप रिफंड के लिए अप्लाई करते हो एफिडेविट पे साइन करो। उस एफिडेविट पे क्या लिखा होगा, रिफंड आपको मिल चुका है और आप कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकते या कुछ भी आप सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं कर सकते हो। ये सब इसलिए होता है जिससे आप उनके खिलाफ कोई भी बात पोस्ट ना कर पाओ। इसके अलावा भी बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जो कि बिल्कुल भी बायस्ड हैं। रिजल्ट्स क्या क्या हो सकते हैं उन पे हम बात कर लेते हैं। पहला रिजल्ट तो ये हो सकता है कि सामने वाला आपको बाद में डिनाई कर दे, एफिडेविट पे साइन किया है कि आपको पैसे मिल गए हैं, तो हो सकता है आपको वो पैसे वापस ना मिले। दूसरा ये हो सकता है कि जब साइन कर दोगे तो वो ई कार्ड्स के रूप में आपको लाइन है वो पैसे देगा, वो जब तक वो पैसा यूज नहीं होगा तब तक आपको रिफंड नहीं मिलेगा। आप एक जगह फंसे हुए थे, आप उसी प्रोसेस के अंदर दूसरी जगह फंस गए। तो इसका एक रास्ता है और वो बहुत जेन्युइन रास्ता है। प्रॉब्लम्स बहुत सारी कंपनीज करती है, बहुत सारे फ्रॉड, बहुत सारे स्कैम्स होते हैं। इसके लिए जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक रास्ता निकाला है कि आप कंप्लेन कर सकते हो और दो स्टेजेस में कर सकते हो। पहला होता है जहां पे आप किसी को कोर्ट में नहीं ला सकते हो, कंज्यूमर हेल्पलाइन है वो कंपनी से बात करेगा और उस कंपनी से बात करने के बाद में आपको रिफंड का प्रोसेस है वो कहां अटका हुआ है, क्या इशू है, वो बताएगी कि वो कितना दिन में आ पाएगा और रेजोल्यूशन मिलने के चांसेस जो है लगभग 100% है। मोस्टली जो केसेस होते हैं वो यही फर्स्ट स्टेप पे ही रिजोल्व हो जाते हैं। जब यहाँ पे भी रिजोल्व नहीं हो पाता है तब आता है अगला ई कोर्ट जिसको बोलते हैं या ऑनलाइन कोर्ट होता है। वैसे तो आपका रिफंड आ नहीं रहा है, कंपनी अपने मनमानी कर रही है, अप्लायंस जो भी है वो मनमानी कर रहे हैं क्योंकि आपको कंपनी का नाम नहीं बताया गया था, क्योंकि आपको रिफंड का प्रोसेस नहीं बताया गया था, तो आपके साथ बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। उसके बावजूद भी जब आप रिफंड अप्लाई कर दे रहे हो विद इन टाइम पीरियड तो आपको रिफंड नहीं मिल रहा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो इस वीडियो में दो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, कंज्यूमर कोर्ट ऑनलाइन, हमें एनसीएच की वेबसाइट पे कंप्लेंट रजिस्टर करनी हो, दूसरा पार्ट जो है वो ई दाखिल नेशनल कंज्यूमर फोरम। तो जो ग्रेवियंसेस होती हैं पहले लेवल पे वो इस एनसीएच की वेबसाइट पे रजिस्टर करी जाती हैं जिससे आपको रेजोल्यूशन जल्दी जल्दी मिल सके। गूगल पर सर्च करोगे एनसीएच की वेबसाइट कंज्यूमर हेल्पलाइन, वो इस पेज पे आ जाना है, कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा। नीचे जैसे ही आओगे आपको हु इज कंज्यूमर, कौन कंज्यूमर है, या आप पढ़ सकते हो, अपने आप ने साइन अप करना है। तो इसमें साइन अप का एक ऑप्शन होता है, अगर यहाँ से साइन अप नहीं होता है तो आपको ऐप डाउनलोड करना, चाहे आप एंड्रॉइड यूजर हो चाहे आप iOS यूजर हो, आपको सिंपली प्ले स्टोर पे जाके ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ पे बेसिक डिटेल्स सबमिट करनी है रजिस्टर करने के लिए, अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड आप सेट करोगे, साइन अप हो जाएगा। उसके बाद आप चाहे वेबसाइट के थ्रू चाहे आप उसी ऐप के थ्रू अपना कंप्लेन फाइल कर सकते हो। ऑप्शन सब में सेम रहेगा, चाहे वो वेबसाइट के थ्रू कर रहे हो चाहे वो ऐप के थ्रू कर रहे हो। आप इस व्हाट्सएप नंबर से भी कंप्लेन कर सकते हो या फिर इस टोल फ्री नंबर पे कॉल करके भी आप कंप्लेन दर्ज कर सकते हो। साइन इन पे जाएंगे, लॉग इन विद ओटीपी पे जाएंगे, वहाँ अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा एंटर करेंगे, लॉग इन हो जाओगे। वहाँ पे ये ऑप्शंस आएंगे जहाँ पे आप ग्रेवियंस रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखा हुआ है। पहले आप तीन ऑप्शन आपको मिलेंगे, कंज्यूमर ग्रेवियंस, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, फाइल अ कंप्लेन इन कंज्यूमर कमीशन ऑन ई दाखिल। आप कंज्यूमर ग्रेवियंस फॉर्म में आपको क्लिक करना है, ग्रेवियंस टाइप वहाँ पे ऑप्शन होगा ग्रेवियंस में और क्वेरी, दो ऑप्शन आएंगे, आपको ग्रेवियंस सेलेक्ट करना है और दूसरा ग्रेवियंस क्लासिफिकेशन पे गुड्स सेलेक्ट करके उसके बाद स्टेट पे जाओगे, स्टेट पे अपना स्टेट जो भी जिस भी स्टेट से आप हो उसको सेलेक्ट करना है। नीचे आप आएंगे तो वहाँ पे सेलेक्ट सिटी का ऑप्शन होगा, सिटी अपना सेलेक्ट करोगे, उसके बाद सेलेक्ट इंडस्ट्री का ऑप्शन एक आएगा के पास में, उसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ का नाम है, आप देख सकते हो बहुत सारी इंडस्ट्री, उसमें एक डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री होगी। तो नीचे ऑप्शन कैटेगरी में आओगे आप तो वहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग का एक ऑप्शन आएगा, नेटवर्क मार्केटिंग में आपको क्लिक करना है। सेलेक्ट कंपनी पे आपको जाना है, इफ़ कंपनी नेम इज नॉट इन द लिस्ट सेलेक्ट अदर एंड फिल नेम ऑफ द कंपनी इन द टेक्स्ट बिलो दैट विल अपीयर। इंटर करना है अदर्स पे, क्योंकि क्यूनेट या विहान नाम से कोई भी कंपनी इसमें नहीं है तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको सिर्फ अदर्स पे क्लिक करना है। अदर्स पे क्लिक करने के बाद में आपको नेचर ऑफ ग्रेवियंस में जाना है, देन आपको एक ऑप्शन मिलेगा वहाँ पे आप पेड अमाउंट नॉट रिफंडेड पे क्लिक करना है। जैसे भी आपका जो भी अमाउंट लगा है उसके बीच में आपको क्लिक करना है, बिटवीन 1 लाख टू 10 लाख के बीच में। डीलर नेम आपको विहान डायरेक्ट सेलिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लिखना है।
कंपनी का सारा डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ग्रेवियंस का जो सैंपल है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से आप उसको एडिट कर लेना। उसके बाद ग्रेवियंस डिटेल में सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट कर देना। ग्रेवियंस डिटेल के नीचे आपको ऑप्शन मिलता है डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3, जहाँ पे आप अपनी रिसीप का ऑर्डर आईडी होगा और प्रोडक्ट का डिटेल्स होगा, कितना रुपए में आपने उसको खरीदा है, वो सारी चीज डिटेल्स होंगी। आपने जितनी बार भी मेल किया है कंपनी को, उस मेल की कॉपीज को यहाँ पे डॉक्यूमेंट में आपको अपलोड करना है। उसके बाद सबमिट में क्लिक कर देना। कंप्लेन फाइल करने के बाद कंज्यूमर अफेयर से आपको मेल आएगा, जिससे आपकी जो कंप्लेन है वो रजिस्टर हो गई, उसका कंफर्मेशन आएगा, जिससे आप ट्रैक कर सकते हो। तो आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप ज़रूर पहले से लिख कर अपनी जो भी कंप्लेन है वो रखें और यहाँ पे सीधा कॉपी पेस्ट करें। वन पे जहाँ पे गवर्नमेंट मीडिएट करती है आपके ग्रेवियंसेस को रिजॉल्व कराने पे, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में यहाँ पर इशू रिजॉल्व हो जाता है। और अगर फिर भी इशू रिजॉल्व नहीं होता है तो जो सेकेंड स्टेप होता है वो होता है ई दाखिल, जिसपे हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आई होप कि आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिली होगी इस टॉपिक पे, किस तरीके से कंप्लेन करना है, कैसे ट्रैक करना है, क्या क्या लिखना है, हर चीज की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ पे सबसे ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम होती है। डिटेल्ड वीडियो होने वाला है, तो वो वीडियो भी बहुत जल्दी आने वाला है। थैंक यू सो मच।